15 मई 2024 को रफा से खबर आई थी कि यहां पर हमास के साथ लड़ाई में इजरायली सेना के 5 जवान मारे गए और 7 जवान घायल हुए थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि उत्तरी जबालिया कैंप में अल कासिम ब्रिगेड के साथ जंग में इन जवानों की मौत हो गई थी। मारे गए जवान IDF की पैराट्रूप ब्रिगेड की 202वीं बटालियन का हिस्सा थे, जो एक बिल्डिंग के पास इकट्ठा हुए थे। लेकिन अब इसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसने इजरायली सेना पर कई सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं। दरअसल इस पूरे कांड की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है। इजरायली सेना ने 16 मई 2024 को अपने एक बयान में कहा कि ये जवान जबालिया में अल कासिम के हमलों में नहीं, बल्कि खुद IDF के टैंकों से दागे गए गोलों के हमलों में मारे गए थे। इस हमले में सिविल डिफेंस मिनिस्ट्री कॉन्ट्रैक्टर भी मारा गया था। इसको लेकर IDF का कहना है कि जबालिया कैंप में जिस तरफ पैराट्रूपर इकट्ठा थे, उसी तरफ इजरायली सेना का एक टैंक भी मौजूद था। उसने पैराट्रूपर जवानों को गलती से हमास के लड़ाके समझ लिया था और इस टैंक से फिर IDF के जवानों पर शाम करीब 7 बजे 2 गोले दागे गए थे। ये टैंक इस इलाके में सुबह पहुंचा था और कई घंटों बाद पैराट्रूपर इसी इलाके में पहुंचे थे और इन जवानों ने एक बिल्डिंग में अपनी चौकी बना ली थी। लेकिन शाम को पैराट्रूपर का एक और समूह यहाँ पर पहुंचा था और उन्होंने 2 टैंकों को सूचित किया था कि वो बिल्डिंग में प्रवेश कर रहे हैं और इसी दौरान टैंकों ने बिल्डिंग की एक खिड़की से एक बंदूक को चिन्हित किया था और समझा कि वो दुश्मन की फोर्स है, जिसकी वजह से टैंक से इस बिल्डिंग पर गोले दागे गए। वहीं इस हमले को लेकर इजरायली मीडिया का कहना है कि इजरायली सेना ने इस घटना के प्रमुख कारण का पता लगा लिया है और वो ये है कि सैनिकों के बीच संचार की कमी और सैनिकों का थकना और नियमों का पालन न करना। एक आंकड़े के मुताबिक गाजा में अभी तक IDF के 278 जवान मारे गए हैं और इनमें से 49 जवान खुद IDF की गलती से हुए हमलों में मारे गए हैं। वहीं 1712 जवान गाजा में जमीनी हमलों में घायल हुए हैं। इनमें से 338 गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि 566 जवान मामूली रूप से घायल हैं। जबकि 808 जवानों को हल्की चोटें आई हैं। वहीं जबालिया को लेकर IDF का कहना है कि उसने वहां पर अभी तक 150 बंदूकधारियों को मार गिराया है।